हेलो राम राम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। संडे का दिन है, मॉर्निंग का टाइम है, बज रहे हैं 7। 7 बजे से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। घर की सफाई होगी आज, पूरा मॉर्निंग से दोपहर तक का कंटिन्यू ब्लॉग रहेगा, 1 मिनट का भी कट नहीं होगा। जैसे मैं संडे के दिन काम करती हूँ, जैसे रूल फॉलो करती हूँ अपने घर का, किस तरह से क्या नाश्ता खाना, वो सारी चीज़ रहेगी। आज का ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। सुबह से सबसे पहले मैंने क्या किया है, सारे कपड़े इधर रख ली हूँ। देखिए सारे कपड़े संडे के दिन मैं सबसे पहले यहाँ निकाल के रख देती हूँ, उसके बाद फिर सफाई शुरू करती हूँ। बर्तन बस धुले हुए हैं, मैंने नाइट में ही धुल लिया है। उसके अलावा झाड़ू पोछा ये सारा काम बाकी है। आज धान भी यहाँ से मैंने हटा दिया है, ढेर लगा हुआ था कल के ब्लॉग में, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने दिखाया था। तो धान हम लोगों ने चबूतरे में रख दिया है, थोड़ी सी धूप लग जाएगी क्योंकि थोड़ा भीगा भीगा सा लग रहा है। जब बारिश हो रही थी ना, एक बार हुई ना बारिश, तब हम लोग का धान छत में था तो भीग गया था। फिर उसके बाद हमने यहीं रख दिया, उसके बाद सुखाया नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि शायद हमारा धान टूट जाए, चावल जो होता है टूट जाए। देखूंगी अभी जब दराया जाएगा। इनको बोल रही थी फिर से चलिए छत में चढ़ा देती, ये बोल रहे थे कि छत में दोबारा चढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स बिना सीढ़ियों के ना दिक्कत होती है। और आप सभी कहोगे कि साधना दी इतने दिन से सीढ़ी नहीं बनी, आप क्यों नहीं बनवाते हो? कुछ चीज़ों को ना फ्रेंड्स टाइम नहीं होता है, जब टाइम होता है तो वो काम हो जाता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर सीढ़ी बस बनवाएंगे तो नहीं बनेगा, जब हम लोग का पीछे का पूरा घर बनेगा तभी सीढ़ी बन सकती है। हम लोगों ने इंजीनियर को बुला के दिखाया था तो उन्होंने कहा था जब आप घर बनवाएंगे तभी सीढ़ी बनवाइएगा, नहीं तो नक्शा बिगड़ जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। सच में छोटा छोटा घर है इसलिए, तो ये मुश्किल हम लोग को इसलिए उठानी पड़ती है। नहीं सीढ़ी बस की बात होती तो कब का बन जाता। तो देखिए पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया है, धान उधर दराना शुरू हो गया है, ट्रैक्टर आ गया है और देखती हूँ भी जाके धान का क्या हाल है, चावल का। इनको ना मैंने कह दिया है ध्यान दीजिएगा, टूटे उटे तो मुझे बताइएगा, तो ये मुझे नहीं बताएंगे। उसका एक रीज़न ये भी है कि फिर मैं ध्यान देती हूँ, जो लोग डरते हैं उनको भी बोलती हूँ, तो ये अपना सामान नुकसान भले करा लेंगे लेकिन ये न खुद टोकेंगे ना मुझे टोकने देंगे, एक इनमें कमी है। और मैं क्या कहती हूँ, मैं मेरा क्या सोचना है कि कोई भले नाराज़ हो जाए लेकिन हमारा ना काम बिगड़ने पाए ना किसी और का। हमें जहाँ बोलने की ज़रूरत हो वहाँ ज़रूर बोलना चाहिए, लेकिन इनकी आदत है जहाँ बोलना चाहिए वहाँ ही संकोच कर जाते हैं और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ ज़रूर बोल देंगे। बट जेंट्स लोगों को समझा पाना भी बहुत क्या होता है, तीखी खीर कुछ कहते हैं, कहावत मुझे याद नहीं है। खैर देखिए धान का भी हाल जब देखूँगी तो आपको बताऊँगी। अभी तो फ़िलहाल पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊँगी, सबसे पहले अपना किचन क्लीन करूँगी। किचन मेरा थोड़ा सा लग रहा है गंदा, कोई बात नहीं, जैसा भी है, खाना हमारा यहीं बनता है, खाते हम यहीं हैं। और हाँ फ्रेंड्स एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, किचन हो घर हो कोई भी चीज़ हो जहाँ हम रहते हैं, वो कैसा भी हो हमारे लिए बेस्ट होना चाहिए, होता है। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए हमारा ये कम अच्छा है। जैसे कोई कहता है दी सिंक लगवा लीजिए, दी यहाँ टाइल्स लगवा लीजिए, बात ठीक है लगवा लीजिए, सही बात है। मान लो हम लोगों का भी इरादा यहाँ ना हो, ये रूम है एक, अगर हम यहाँ टाइल्स और किचन के जैसा बनवा लेंगे तो फिर जब किचन बनवाएंगे तो ये रूम तो बेकार हो जाएगा ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसे मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अब जब हम चमचमाते हुए किचन में खाना बनाए तभी हमें खाना अच्छा लगता है या आप लोगों को देखने में अच्छा लगता है। जैसा भी है ना, आप लोग मेरा रियल ब्लॉग देखते हो तो आप लोग जैसी मैं हूँ, जैसा मेरा घर है, जैसा मेरा काम है, आप उसे पसंद करिए, ठीक है। और अब ट्राईपॉड आ गया है तो देखिए शूट करने में अच्छा भी लगता है मुझे, और मैं हर चीज़ दिखा भी पाती हूँ। जब ट्राईपॉड नहीं था तब बच्चों को बार बार कहना पड़ता था रिकॉर्ड के लिए, बच्चे नहीं सुनते थे फ्रेंड्स। तो ये कुछ होता है, कहते हैं ना आन के आशा निर्तुपाशा, तो जब खुद का काम खुद से होता है ना तो वो परफेक्ट होता है। तो देखिए अब गैलरी में सफाई करूँगी, रूम तीनों साफ हो गए हैं और केवल शटर बाकी है, क्योंकि शटर में बोरियाँ रखी हैं वहाँ कचरा है, तो मैं सोच रही थी उसे बाद में मैं साफ़ करूँगी जब चावल एकदम से दर के आ जाएगा घर तक। यहाँ से पूरे गलियारे में पोछा लगा लूँगी। ऐसे मैं संडे के दिन कुछ काम करती हूँ, थोड़ा देर हो जाती है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन काम अपना मैं
निपटा लेती हूँ आराम से। बच्चे एक फ्रेंड्स बोल रही थी सिस्टर की साधना दी, बच्चे थोड़े बहुत हेल्प नहीं कराते, करने लायक नहीं है, बच्चे इतने बड़े नहीं मेरे कि घर के काम करें, कुछ एक दो अड़वा जिसे कहते हैं ना हिंदी भाषा में हम कहते हैं हमारा अड़वा कर दो काम, बस वही कर दें बड़ी बात है। और ये सारा काम मैं बच्चों से करवाना चाहती हूँ, जब करने लायक होंगे तब करेंगे। इधर देखिए धान दरा जा रहा है, मशीन उनकी थोड़ी गड़बड़ हो गई है तो रुका हुआ है, तो ये बिस्तर लगाने लगे। और वो भैया कुछ लेने गए थे तो लगा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बहुत टूट रहा था फ्रेंड्स। मैंने देखा आधा जो चावल होता है वो कना में ही चला गया हमारा, तो बहुत टूटा हुआ चावल हम लोग को मिला है आज, क्योंकि भीगा हुआ था, हमारी भी गलती थी, सिर्फ धान तरने वाले की गलती नहीं थी, हमारी भी थी, तो उनको कुछ हम नहीं कह सकते हैं। जैसा भी था हमारा धान तर गया है, घर आ गया है, मैंने कपड़े धुल लिए, नहा ली हूँ, अभी बज रहे हैं 11:30। आप लोग विश्वास नहीं मान रहे होंगे कि साधना दी झूठ बोल रही है, रियल में 7 बजे उठी हूँ, 11:30 बजे पूजा हो रही भगवान की। और बच्ची अभी बिस्किट खाए हैं, पप्स वप्स एक दो पैकेट बस यही खाए हैं, और कुछ भी नहीं बना है अभी घर में मेरे। इतना टाइम क्यों लग गया, बहुत सारे कपड़े हो गए, फिर जब बच्चे नहाए गर्म पानी किया मैंने, उनके कपड़े हो गए, अभी के बाद के थे, ड्रेस थे, हस्बैंड के 2-4 कपड़े थे, इकट्ठा हो गया, तो धुलते धुलते काफ़ी देर हो गई मुझे, इतना टाइम लग गया। तो भगवान की पूजा पाठ भी कर दूँ मैं। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे ओम से संभवाय नमः। देखिए पूजा पाठ हो गई है प्रभु जी की, फूल नहीं मिला तो बस ऐसे ही बालों को मैंने इसी में लपेटा हुआ था, पूजा कर ली हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कहीं 12 ना बज जाएँ। 12 बजे के बाद भगवान को नहलाना अच्छा नहीं माना जाता है, 12 के पहले ही हमें पूजा कम से कम कर लेनी चाहिए, कितना भी काम हो, तो 12 के पहले मैंने जल्दी जल्दी पूजा कर ली है। मंदिर आज नहीं गई हूँ, क्योंकि इतने समय अगर मंदिर जाती तो लोग कहते हैं पता नहीं इसको कौन सा काम था। अब जिसे काम होता है वो जानता है, ये देखिए कपड़े खुद ही आप देख के समझ गए होंगे, इधर इतने पड़े हुए हैं और कपड़े यहाँ पे हैं, यहाँ पे जो दीवार है वहाँ है। ये मैं आप लोगों को चावल दिखाती हूँ कितना टूटा हुआ है, एकदम बुकनी हो गया है, अब कुछ कह नहीं सकती क्योंकि भीगा हुआ धान था, तो उनको भी कुछ नहीं कह सकती जो भैया तर रहे थे। कहते हैं ना फ्रेंड्स, जब कमी अपने में हो तो हम किसी और सोची आवाज में नहीं बात करते, तो अपना काम अपनी इमेज अपनी आदत हमेशा अच्छी और सुधार के रखनी चाहिए, जिससे हम तेज आवाज में बात कर सके। हाँ, मैंने बालों को अपने थोड़ा सा लिया है संवार, मेकअप सेकअप कर ली हूँ, कुछ थोड़ी बहुत वीडियो बनाऊंगी इंस्टा के लिए। इधर देखिए कपड़े इधर उधर मैं इसलिए फैला रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ, जिससे मेन कपड़े सूख जाएं, जैसे बच्चों के अंडरवियर, रुमाल, पैंट, इनर वगैरह धूप में डाल रही हूँ। काम करते करते फ्रेंड्स थक गई हूँ, नहा के आई हूँ, जस्ट पहले रोटी बनाई हूँ, कल की चना की सब्जी रखी थी मैंने, बनाया था ना चने का साग, वो रखा था काफ़ी। और चने का साग वैसे दूसरे दिन बहुत अच्छा लगता है, बासी जिसे कहते हैं, बासी साग बहुत अच्छा लगता है, तो साग रखा था, आते ही मैंने रोटी बनाई, बच्चों को हस्बैंड को दिया मैंने, वो लोग खाए, उसके बाद फिर मैंने पूजा करा है। पूजा करने के बाद एक रोटी मेरे लिए बची थी, मैंने भी खा लिया है वही चने के साग से, अभी खाना नहीं बना है इसीलिए मैंने सूट भी नहीं किया, क्योंकि सिर्फ मैंने रोटी सेकी है सुबह से, काम में इतनी बिजी थी टाइम ही नहीं मिला है, रोटी सेकी हूँ बस। चने का साग कल का ही रखा था इसलिए उसे सूट भी नहीं की हूँ, क्योंकि चने का साग कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो वही हम लोगों का नाश्ता कह लो, खाना कह लो, कुछ भी कह लो, हो गया है। अब थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट कर रही हूँ, इसके बाद फिर सब्जी चावल बनाऊंगी बस। दोपहर के टाइम में लाइट भी चली गई है, अगर टाइम की बात करूँ कि कितना हो रहा है, अभी मेरे खाने के बाद का टाइम बता रही हूँ, 12:30 बज रहे हैं, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, अब मुझे टाइम मिला है अपने मोबाइल के काम के लिए, समझ लीजिए। संडे के दिन वैसे भी बहुत सारा काम होता है, आज ऊपर से ये धान वाला हो गया, और भीगा धान था, ज़्यादा सूखा नहीं था, खराब भी हो गया, टूट गया सब, मतलब बड़ी दिक्कत, धान कम हुआ था और जो हुआ था वो टूट भी गया। खैर चलिए, इतना सारा बोलने का कोई फायदा नहीं है, काम कर लूँ, बच्चे लोग अभी फिर से खाना मांगने लगेंगे, और फिर बच्चों को ये नहीं दिखता मम्मा ने कितना काम किया, बच्चे कहते अरे मम्मा खाना चाहिए, भूख का टाइम है, खाना दो, ये दो, खाने का टाइम है,
बहुत सारा होता है। बच्चों को आप समझा भी नहीं सकते क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं। जब बड़े लोग नहीं समझते हैं तो बच्चे तो अभी उस एज में ही नहीं पहुंचे, उनको कहाँ पता है कि कितनी मेहनत लगती, कितना काम होता है, क्या होता है बच्चे। खैर चलिए, आप सब बने रहिएगा, ब्लॉग इंटरेस्टिंग ही है, बने रहिए। तो ये देखिए, आप लोगों से बात करने के बाद फिर चावल मैंने फटक के साफ़ कर लिया है। इसे बीन लूँगी, चावल पहले डाल दूँ उसके बाद सब्जी कट करूँगी। बैठने का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी खाना नहीं बनाऊँगी तो खाना भी नहीं बन पाएगा मेरा। और वही धान मतलब चावल है जो अभी अभी दरा गया है, ताज़ा न्यू। और ये आए हैं, ये बोल रहे हैं मुझे भूख तो नहीं अभी, क्योंकि इनका ना चने का साग बड़ा फेवरेट है। बासी थी बासी कैसा भी दे दूँ, पनीर और चने का साग दो चीज़ बहुत पसंद करते हैं ये। तो यहाँ आ गई हूँ, देखिए दूध मैंने अब चढ़ाया है, 1 बजने वाले होंगे शायद, या 1 बज रहे होंगे, भला कहूँ ख़राब नहीं हुआ है, दूध उबल गया है। अब आलूओं को छील लूँगी, आलू मटर टमाटर हरा धनिया, इसी की सब्ज़ी बनेगी। गोभी नहीं मंगाया मैंने, थोड़ा सा मट्ठा मिल गया, हमारे पड़ोसी जी दे गए हैं, ले के आ गए हैं, बच्चे ले आए हैं, तो कभी कभार चल जाता है, मट्ठे की बात ही अलग होती है फ्रेंड्स। थोड़ा खट्टापन रहता है ना तो स्वाद आ जाता है, चाय या पैसे ही काला नमक डाल के खाओ या सब्जी में थोड़ा सा मिला लो, अच्छा लगता है। बच्चे फिर से शरारत कर रहे हैं, खाना ये लोग नहीं मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं कुछ बाहर की चीज़ खाने के लिए। तो मैं इन्हें चिल्ला रही हूँ क्योंकि भैया जो चीज़ें गलत हैं दिन भर जिसे खाओगे नुकसान करेगा, जो आपके हित में नहीं है वो चीज़ें मैं नहीं करने देती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी विरोध सुनना पड़े, कोई मेरे कितना भी खिलाफ़ हो जाए फ्रेंड्स, मेरे घर वाले पर्सनल लोग, पता नहीं क्यों मैं ऐसी हूँ। और लोग कहते भी हैं कि आप अगर हद से ज़्यादा किसी को समझाओगे और सुधारना चाहोगे तो वो आपके खिलाफ़ हो जाएगा, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल खिलाफ़ हो जाइए, बट जीते जी अपने गलत चीज़ें न खाने दूंगी न गलत करने दूंगी। मरने के बाद आप चाहे जो कुछ कर सकते हो, ये भाई मेरा ये फंडा है, ना मैं गलत करती हूँ ना मैं गलत होने देती हूँ। जब तक जितनी हमारे अंदर समझ है फ्रेंड उसे इस्तेमाल करना चाहिए, फिर उसके बाद तो फिर ईश्वर के हाथ सब कुछ होता है ना। लेकिन हमें थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर बना के रखना चाहिए अपना, चलता है। देखिए जल्दी जल्दी सब्ज़ी बनाऊँगी, मुझे भूख लगी कि मैंने सिर्फ 1 रोटी खाई है सुबह, सिर्फ 1, चने का साग भी बहुत थोड़ा बचा था, तो बहुत जल्दी जल्दी बना रही हूँ। और सबसे पहले आज मैं ही खाऊंगी, बच्चे लोग बाद में खाएंगे, वो लोग गेम मिल गया है, मतलब हस्बैंड ने फ़ोन दे दिया है तो उनके फ़ोन में गेम खेल रहे हैं। फ्रेंड्स मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल रही थी, जानते हो क्या कह रही थी, कि आज मैं सब्जी पकने नहीं दूंगी, धनिया पहले डाल दूंगी, जल्दी से खाऊंगी क्योंकि भूख लगी है। सच में 2 बज रहे होंगे कसम से फ्रेंड्स। तो अब चलिए मेरा खाना निकल गया है, खाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से न्यू वीडियो। यहाँ पर घड़ी नहीं लगी, नहीं आप लोगों को मैं दिखा देती, 2 बज गए हैं, 2 बजे मैं खाना खाने जा रही हूँ आज। सुबह अगर 5 बजे उठती तो काम भी ख़त्म हो जाता, टाइम से खाना भी बन जाता, खा लेती, लेकिन 7 बजे उठी फिर सारा काम वाम किया। आज हालत एकदम हो गई है खस्ता। ये मेरी थाली है और मैं हूँ भूखी।